भागलपुर जिला विधिक संघ में हुए चुनाव का परिणाम मंगलवार को घोषित हो गया, जिसमें महासचिव पद पर अंजनी कुमार दुबे और अध्यक्ष पद पर बीरेश कुमार मिश्रा ने जीत हासिल की। महासचिव अंजनी कुमार दुबे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मृत्युंजय कुमार सिंह को 236 मतों से पराजित किया। वहीं अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार रहे वीरेश कुमार मिश्रा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मुक्ति प्रसाद सिंह को 276 मतों से पीछे छोड़ दिया। महासचिव अंजनी कुमार दुबे को 689 मत प्राप्त हुए हैं, वहीं नवनियुक्त अध्यक्ष को 875 वोट प्राप्त हुआ है। चुनाव पदाधिकारी मोहम्मद शमसुद्दीन ने बताया कि कुल 10 पदों पर हुए चुनाव में 114 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें अध्यक्ष और महासचिव पद का परिणाम आज घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि चुनाव की सारी प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हो गई, जिसके लिए उनकी टीम ने काफी प्रयास किया है। बहुत ही खुशगवार माहौल में और बहुत ही अच्छे माहौल में ये चुनाव का जो अभी जो गिनती हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, न महासचिव में न ही प्रेसिडेंट में। बहुत ही फुल्ली हुआ, सब लोगों ने मदद किया, जिसकी वजह से ये पोस्ट की गिनती में और रिजल्ट देने में हमको कामयाबी मिली। रनर विनर कौन कौन रहे सर? रनर में प्रेसिडेंट में बीरेश कुमार मिश्रा रहे और सेकंड मैन उसके रहे मुक्ति कुमार सिंह, मुक्ति प्रसाद सिंह और जनरल सेक्रेटरी में अंजनी कुमार रहे विनिंग कैंडिडेट और सेकंड में रहे मृत्युंजय कुमार सिंह। कितना राउंड चला? सब मिला के 8 राउंड चला सर। कुछ कहना चाहेंगे? चूंकि आज जो है संपन्न हो गया ये महायज्ञ। हाँ, ये चूंकि बड़ा पोस्ट जिस पर पूरा बार डिपेंड करता है, बाकी जितने भी अहदेदार होंगे वो सब उनके सहयोगी होंगे, तो आज बहुत बड़ा दिन था हमारे लिए खास तौर से और मेरे बार के लिए। ये बहुत ही खुशी से ये रिजल्ट हो गया और सब लोग खुश होकर के गए। वहीं जीत के बाद अध्यक्ष और महासचिव के समर्थन में अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और एक दूसरे को अबीर गुलाल और मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान समर्थकों में काफी उत्साह देखने को भी मिला। जीत के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए विजयी उम्मीदवारों ने बताया कि यह जीत सभी अधिवक्ताओं की जीत है। उन्होंने कहा कि वह अधिवक्ताओं के हित के लिए अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। भागलपुर के अधिवक्ताओं ने हम लोग के प्रति अपना विश्वास जाहिर किया है और भारी मत से विजयी बनाया है। हम भी इस विजय के बाद अधिवक्ताओं का जो भी समस्या है उनके अनुकूल कार्य करूंगा और पूरा निष्ठा और सम्मान के साथ काम करूंगा। अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए हर कार्य करूंगा, उनके हर मांगों को पूरा करने का प्रयास करूंगा जितना हो सके। हम इस बार का चुनाव निष्पक्ष है। आरोप के द्वारा भी सभी अधिवक्ताओं ने जाति बंधन को तोड़कर व्यक्ति विचार से बार को अच्छा से अच्छा बनाने का कोशिश किया है। हम लोग बहुत आभारी हैं अपने अधिवक्ता समाज का जो हम लोगों को चुने हैं। हम लोग भविष्य में अच्छा से अच्छा काम बेहतर करके दिखाएंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं, भरोसा करते हैं। इधर युवा अधिवक्ता सुधाकर कुमार ने बताया कि आज जश्न का दिन है और अवसरवादियों को मुंह तोड़ जवाब मिला है। बिजली और पानी अधिवक्ताओं की मूल समस्या थी, जिसे हमने मुहैया कराया और यह जश्न इसी का सुखद परिणाम है। बिल्कुल, जश्न का दिन है। जश्न उन आम अधिवक्ताओं के लिए है जो इस पिछले 2 साल से जो डीबी हमारा संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, उस संक्रमण के दौर से निकालने के लिए लोगों ने बहुमत से अंजनी दुबे को लाया है। हमारा भागलपुर बार गौरवशाली रहा है और पिछले 2 वर्षों में जो बार में हुआ है, आम लोगों ने देखा है दोनों ही तरफ से, जो अवसरवादी लोगों ने वहाँ परिस्थितियाँ ले आई और जो अल्पकाल के डीबीए आई, डीबीए में हम लोग एडहॉक कमेटी आए और जितने कम समय में जिस तरह का विकास किया और जो बुनियादी जरूरत वकीलों की थी, पूरी गर्मी में हम बिना पंखे के बिना पानी के रहते थे, उस जरूरत को पूरा किया। उसी बिजली और पानी को वोट में जनता ने परिवर्तित, वकीलों ने परिवर्तित कर दिया है। अब क्या हम आएंगे, हमारा सिर्फ एक ही नारा है, काम काम और सिर्फ। आप काफी सक्रिय थे, क्या लगता है डीबीए की जो रूपरेखा है? सक्रिय हर उस अधिवक्ता को होना चाहिए जो थोड़ा भी संवेदनशील है और जो अधिवक्ता की समस्याओं को समझता है।